बिना अंडे की अंडा भुर्जी, बिना चिकन की चिकन बिरयानी, बिना मटन का रोगन जोश, बिना किसी मीट का सीख कबाब। जी हाँ, आज हम आपको ऐसी ही यूनिक चीजें दिखाएंगे और स्वाद इनका इतना बेहतरीन कि लोग दीवाने हो गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसा अमेजिंग वेजिटेरियन फूड जो प्योर वेज होते हुए भी नॉन वेज का मजा देता है। आज हम आए हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में और यहाँ हमें जिस स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दी वो है ये वेजले का स्टॉल। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसी यूनिक चीजें मिल रही हैं जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। जैसे कि अभी यहाँ पर अंडा भुर्जी बनाई जा रही है लेकिन बिना अंडे की, और उसके लिए सबसे पहले देखिए इन्होंने तवे के ऊपर तेल ले लिया है और अब उसमें डाला है कटा हुआ अदरक। अदरक डालने के बाद देखिए उसमें प्याज डाला है ढेर सारा, थोड़ा सा और प्याज लिया है वो डाल दिया है, और उसके बाद इन्होंने लिया हरी मिर्च वो भी डाल दी है। अब ये तीनों चीजें यहाँ पे ऑयल में अच्छे से सोते की जाएंगी। और आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो एग भुर्जी यहाँ पर बनाई जा रही है इसमें अंडा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई दो मिनट तक प्याज हरी मिर्च और अदरक को सोते किया है और उसके बाद अब ये ले रहे हैं वीगन स्क्रैम्बल्ड एग। ये अंडों का प्लांट बेस्ड सब्स्टिट्यूट है। इसको भी देखिए तवे पर ले लिया गया है, उसके ऊपर ऑयल डाला गया है और जैसे अपनी अंडा भुर्जी बनाई जाती है ठीक उसी तरीके से चॉप कर करके इसे भी तैयार किया जाएगा। दिखने में भले ही अभी आपको ये अंडा भुर्जी की तरह ना लग रहा हो लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो ना केवल आपको ये दिखने में अंडा भुर्जी की तरह लगेगा बल्कि इन लोगों का कहना है कि टेस्ट में भी आपको ये बिल्कुल अंडा भुर्जी ही लगेगा। अब ये अच्छे से चॉप हो चुका है और इसके अंदर जो प्याज अदरक और हरी मिर्च ली थी वो भी मिक्स कर दी है। वो डालने के बाद थोड़ी देर इन्हें और अच्छे से मिक्स किया जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें डाली जा रही है चिली फ्लेक्स, तो ढेर सारी चिली फ्लेक्स डाल दी गई हैं। अब ये भी इनमें अच्छे से मिक्स की जाएंगी तब कहीं जाकर अपनी ये वीगन एग भुर्जी तैयार होगी। अब जो कस्टमर्स इसको यहाँ पर ले रहे हैं उनसे पूछते हैं कि क्या इसके अंदर वाकई अंडे भुर्जी वाला टेस्ट है। बहुत सही है, ये तो लग रहा है एग्जैक्टली हम एग खा रहे हैं। डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा, डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा है। आपको कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा लगा, लग नहीं रहा कि एग खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम सचमुच में अंडा खा रहे हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और गाइस ये सोयाबीन का बना हुआ है, अंडा इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। इनका जो कबाब है वो भी ट्राई करोगे तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे नॉन वेज कबाब है। अच्छा कबाब भी ऐसा है? हाँ जी, तो अभी हम कबाब भी ट्राई करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए तवे पर तेल लिया गया है कबाब के लिए। ये इनका कबाब का पैकेट है और ये जो कबाब्स हैं ये भी प्योर वेजिटेरियन है सोया बेस्ड, लेकिन टेस्ट इनका ऐसा है जैसे कि नॉन वेज खा रहे हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको बनाना भी बेहद आसान है, तो बस इनको हल्का सा तेल लेकर तवे पर गर्म करना है और आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से इनके पास बिरयानी भी है जो है प्योर वेज लेकिन टेस्ट उसमें भी प्रॉपर नॉन वेज बिरयानी वाला आएगा। और इनके पास रोगन जोश भी है, जी हाँ, जो आपको ना केवल दिखने में मटन रोगन जोश जैसा लगेगा बल्कि स्वाद भी इसमें वैसा ही आएगा, लेकिन है ये भी प्योर वेज, इनफैक्ट वीगन है। इसी तरीके से इनके पास वीगन सॉसेजेस भी हैं जिनका टेस्ट भी प्योर नॉन वेज वाला आएगा, और वीगन लॉलीपॉप भी हैं वो भी आपको नॉन वेज जैसी ही टेस्ट करेंगी। तो कुछ और कस्टमर से पूछते हैं जो यहाँ पे ये चीजें ट्राई कर रहे हैं। मैम कैसा लगा आपको इसका टेस्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि हम नॉन वेज चिकन खा रहे हैं। इसका टेस्ट नॉन वेज जैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है, आ रहा है। और ओवरऑल टेस्ट कैसा लगा आपको, अच्छा लगा बुरा लगा? अच्छा है, अच्छा है। अंकल आप नॉन वेज खाते हो? अमेजिंग, बढ़िया। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, भूल गया तो भूल गया, याद करा दिया इन्होंने यार। अरे वाह, अमेजिंग यार, ब्यूटीफुल। तो गाइस स्वाद इतना अच्छा है कि अंकल ने नॉन वेज खाना छोड़ दिया था, मस्त ये खा के नॉन वेज का स्वाद याद आ गया इनको। यहाँ पे इतने सारे लोगों को वेजले के प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं कि मेरा दिल कर गया मैं भी सब ट्राई करके देखूं। तो मैंने बहुत सारी चीजें मेरे लिए मंगा ली हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अंडा भुर्जी ट्राई करूंगा क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने पूछा सभी ने बोला है कि बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे अंडा भुर्जी ही है रियलिटी में। वैसे ये सोयाबीन से बनी हुई है, लेट्स सी कैसा टेस्ट है इसका। मैंने कभी अंडा नहीं खाया है बट जो टेस्ट इसका आ रहा है वो वाकई लाजवाब है। उसके अलावा कबाब ट्राई किए जाएंगे, कबाब भी बहुत लोगों को पसंद है यहाँ पर। गाइस अंडा भुर्जी जितनी बढ़िया थी उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे मुझे कबाब लगे हैं। और नेक्स्ट हमने ट्राई करूंगा बिरयानी। बिरयानी वेज बिरयानी बहुत जगह मिलती है, अभी मैंने टेस्ट नहीं किए लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही है कि नॉन वेज बिरयानी है। अब इसको टेस्ट किया जाए। गाइस तीन चीज मैंने यहाँ पे ट्राई की और तीनों का ही टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। और ना केवल टेस्ट अच्छा है, यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जितना है टेबल पर है, जितनी पीछे रेंज देख रहे हैं आप, ये सारी प्लांट बेस्ड है और प्लांट बेस्ड होते हुए भी हैवी प्रोटीन लोडेड है। तो वेजिटेरियन लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। आप वेजले का प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, ना केवल बहुत ही टेस्टी है बल्कि सभी प्रोटीन लोडेड है। और क्योंकि आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत कुछ छोड़कर जा रहे हैं। तो मुझे वेजले का प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए, इतने सारे लोगों को भीड़ लगी हुई है, सभी को पसंद आ रहा है। तो आप भी वेजले का प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर,
आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।